की एक्ट को खत्म करने गए थे। कौन देखता है ना, थोड़ा पानी बदल। उदयपुरा रविदास जयंती पखवाड़े में शामिल हुए ओबीसी मोर्चा के वरिष्ठ पदाधिकारी निकाला गया चल समारोह। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। उदयपुरा में संत रविदास जयंती के पखवाड़े के अवसर पर ओबीसी महासभा के वरिष्ठ पदाधिकारियों को उदयपुरा नेशनल हाईवे से ब्लॉक अध्यक्ष, किसान मोर्चा, छात्र मोर्चा और ओबीसी महासभा युवा मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा रिसीव करते हुए कार्यक्रम स्थल बिनस इंस्टीट्यूट कॉलेज घाना रोड उदयपुरा ले जाया गया, जहां पर संगठन के पदाधिकारियों द्वारा उनका फूलमालाओं से स्वागत करने के बाद बैठक ली गई। बैठक में ओबीसी मोर्चा, चिकित्सा मोर्चा, श्रमिक मोर्चा, छात्र मोर्चा और युवा मंडल के वरिष्ठ सदस्य शामिल हुए। इस दौरान ओबीसी की जातिगत जनगणना और आरक्षण के विषय पर चर्चा हुई। इसके बाद सभी लोगों ने पदयात्रा करते हुए संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के मंदिर में पूजन अर्चना की और आशीर्वाद प्राप्त किया। वहां संत रविदास जी के चल समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर समारोह के अध्यक्ष के द्वारा अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं से मुलाकात की गई और सभा स्थल गांधी चबूतरा पहुंचकर ओबीसी महासभा के वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं सदस्यों तथा कार्यक्रम में मौजूद एसटीएससी मोर्चा के सामाजिक कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया। बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ, नमस्कार, धन्यवाद। कौन देखता है ना, थोड़ा पानी बदल। तो एससी और एसटी एक्ट के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि ये लोग पूरे देश के अंदर ये फैला रहे हैं कि एससी एसटी एक्ट जो है सिर्फ उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। ठीक है, यही कहना था उनका। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपसे, पूरे देश के अंदर जब हमारे एससी एसटी के साथ 100 बार प्रताड़ना होती है, तब 10 केस लिखे जाते हैं इस देश के अंदर, 10 केस। बताइए मैं बोल रहा हूं क्या? वो क्यों ऐसा क्यों होता है कि 10 केस लिखे जाते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस देश के अंदर भले ही 50% ओबीसी एसटी एससी को आरक्षण दिया गया है, लेकिन प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी नौकरी में 76.9% सवर्ण बैठा हुआ है, सवर्ण समाज। मैं सवर्ण समाज की बुराई नहीं कर रहा, मैं ये कहना चाहता हूं कि आखिर सवर्ण समाज ओबीसी एसटीसी एक्ट का विरोध क्यों कर रहा है और ओबीसी समाज के आरक्षण का विरोध क्यों कर रहा है, समझने की बात है साथियों। इसलिए कर रहा है क्योंकि इनका 99% मीडिया में कब्जा है। मीडिया में आपने देखा होगा, कभी आपने लोधी कभी नहीं सुना होगा कि लोधी कोई डिबेट कर रहा है, कभी आपने अहमद नहीं सुना होगा, इक्का दुक्का सुना होगा। साथियों गलत मत समझना, सुन लेना, इसके बाद आपको कहते रहना। इस देश के अंदर मीडिया में कभी धाकड़ नाम नहीं सुना होगा आपने, कभी साहू नाम नहीं सुना होगा, कभी बाथक नहीं सुना होगा, कभी अहरार अहरवाल नहीं सुना होगा, कभी वाल्मीकि नहीं सुना होगा। 70 साल की आजादी के बाद भी हमारे देश में मीडिया चौथा स्तंभ है, लेकिन इसके बाद भी हमारे लोगों को मीडिया में नहीं रखा जाता। क्यों? क्योंकि अगर मीडिया में रखा जाएगा तो वो वहां से जय भी बोलेगा, बोलेगा कि नहीं बोलेगा, और जय भी बोलेगा तो संविधान की बात करेगा, और संविधान की बात करेगा तो तथागत गौतम से लेके गौतम बुद्ध सऊदी महाराज से लेके ज्योतिबा फुले, सबदी फुले, लेकिन झापड़ रामा भाइयों के 100 से ऊपर विधायक है, लेकिन साहू समाज का एक भी विधायक नहीं है, एक शरण लाके इस देश के लिए नहीं होता है, लिखित में नहीं है, हमारे एसटी एससी की संख्या में है।
हर साल उनकी जनगणना हर 10 साल में जनगणना होती है, और अभी तो मोदी जो है जनगणना में हिस्सा ही नहीं है। पता है क्यों दिखा है? क्योंकि मोदी जी को मालूम है कि एसटी समाज भी लूट रहा है, एसटी भी लूट रहा है। अगर ओबीसी समाज भी लूट गया तो देश के अंदर 543 में से 43 इनके सांसद नहीं बनने वाले साथियों। इसलिए ये जातिगत जनगणना नहीं कराने का काम कर रहे साथियों। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से आप अपने बच्चों को, अगर किसी के बच्चे 5 है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से मान लो कोई बुजुर्ग है उसका देहांत हो जाता है साथियों, तो मुझे बताइए उसके अंदर 5 बच्चे हैं तो उसकी संपत्ति में हिस्सा 5 को बोलो बोले एक ही रहेगा साथियों, होगा कि नहीं होगा? आवाज आ रही है आप लोगों की? अगर मान लो तो मुझे बताइए इस देश की संपत्ति में ओबीसी समाज की हिस्सेदारी क्यों नहीं है साथियों? बताइए आपको ये आएंगे और आरक्षण का विरोध करवाएंगे आपसे ही, कहेंगे आरक्षण को कमलावर वाले जा रहे हैं। अरे मैं कहना चाहता हूँ जो कहते हैं कि आरक्षण से कमलावर वाले जा रहे हैं, तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ इस देश की 34% संपत्ति को काले धन में के रूप में विदेश में अगर रखने वाला कोई समाज है तो स्वर्ण समाज है। क्यों? क्योंकि जब ओबीसी एसटी एससी और समाज के लोग जब पढ़े लिखे नहीं थे तो इनके विदेशों में अकाउंट कैसे खुल जाएंगे मुझे बताइए साहब।